हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीसीआई। एम चेतन चौधरी मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज का जो हमारा ये सेशन है वो है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना चाहते हैं और जिनका कैपराउंड 1, 2, 3 में नंबर नहीं लगा या फिर जिनका ऑटो फ्रीज हुआ है और जिनको स्पॉट राउंड करना है। ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किए थे लेकिन फिर भी इंजीनियरिंग में एडमिशन लेना है, तो ये सभी स्टूडेंट्स के लिए ये अपना आज का वीडियो है। बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट आता है कि सर हमें स्पॉट राउंड करना चाहिए या नहीं। अब स्पॉट राउंड जो है ये होता है हमारा लास्ट राउंड, जब इंजीनियरिंग फर्स्ट ईयर एडमिशन आप करने जा रहे हो और अगर इन केस आपका जो है इसको हम पहले तो मैं बता देता हूँ, स्पॉट राउंड को हम इंस्टीट्यूशनल राउंड भी बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टीट्यूशनल राउंड। अब देखो इंस्टीट्यूशनल राउंड होता क्या है, ये आप कब मतलब एलिजिबल रहेंगे इसके लिए ये सब आपको पता होना चाहिए। अगर इन केस आपका कैप राउंड वन में फर्स्ट ही ऑप्शन आपको मिल गया, मतलब कि क्या हो गया, फर्स्ट ऑप्शन मतलब क्या होता है, ऑटो फ्रीज हो जाता है डायरेक्टली। यस, ऑटो फ्रीज हो जाता है। तो ऑटो फ्रीज में क्या करना है आप लोगों को, ऐसे केस में आप क्या कर सकते हो, ये आपको एडमिशन अगर इनकेस नहीं चाहिए, ठीक है, आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं करना है वो कॉलेज में, तो आपको सीधा सीधा कैप राउंड 2 और कैप राउंड 3 के लिए तो डिस्क्वालीफाई किया जाता है, वहां पे आप एलिजिबल नहीं रहोगे। इनकेस अगर आपने ऑटो फ्रीज भी कर दिया और आपने एडमिशन नहीं लिया, ठीक है, नॉट एडमिटेड इन कॉलेज, ठीक है, ऑटो फ्रीज होने के आप नहीं गए कॉलेज में, एडमिशन नहीं किया, तो ये आप राउंड क्या स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे। और कौन से स्टूडेंट्स स्पॉट राउंड के लिए एलिजिबल होते हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, नो रजिस्ट्रेशन, और क्या प्रोसेस के लिए उन्होंने जो अप्लाई नहीं किया है, यस, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी क्या रहेगा, कैप राउंड जो है मतलब जो एलिजिबल नहीं थे या फिर जिन्होंने कैप राउंड नहीं किया था तो उन स्टूडेंट्स के लिए स्पॉट राउंड रहेगा। और स्पॉट राउंड में करना क्या होता है, स्पॉट राउंड जो है इसमें आप लोगों को आफ्टर कैप राउंड थ्री यहाँ पे आपको पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाना पड़ेगा जिसमें आपको एडमिशन चाहिए। आफ्टर कैप राउंड थ्री आपको वैकेंसी पता चल जाएंगी, कितने वैकेंसी है एक एक कॉलेज में, तो वो आपको डेटा मिल जाएगा वेबसाइट से, फिर उसके हिसाब से इनकेस किसी को, जैसे ये ऑनलाइन प्रोसेस नहीं होती, ये जो है स्पॉट राउंड जो है वो कम्प्लीटली ऑफलाइन प्रोसेस है। स्पॉट राउंड जो है ये ऑफलाइन प्रोसेस होती है पूरी की पूरी। अब इसमें क्या करना है, किसी बच्चे को अगर इनकेस COEP में एडमिशन करना है, ठीक है, मान लो COEP में जाना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले जो आफ्टर कैप राउंड 3 COEP की वैकेंट पोजीशन चेक करना पड़ेगा, वैकेंट सीट कितनी है ये चेक करना पड़ेगा। यस, अगर वैकेंट सीट है तो फिर आपको वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट को विजिट करना पड़ेगा और वहां से आप लोगों को एक डेट दिया जाता है कि इस डेट को स्पॉट राउंड रहेगा, फिर उस डेट को आपको वहां पे विजिट करना होता है, ठीक है, और उसमें वैकेंट सीट जैसे है तो वहाँ पे कैटेगरी वाइज भी वैकेंट सीट रहती है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे रहते हैं जिन्होंने एडमिशन किया नहीं रहता क्योंकि COEP में जो नंबर लगा है ऐसे स्टूडेंट्स के लगे हैं, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं कि जो JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे थे साथ ही साथ उनका IIT भी मतलब सिलेक्शन हो चुका है, तो ऑब्वियस है वो IIT के लिए जाएंगे, तो यहाँ का जो सीट है वो वैकेंट रहता है। फिर इनसे थोड़े जो कम परसेंटेज वाले बच्चे हैं उनके यहाँ पे चांसेस रहते हैं, बट बाकी प्राइवेट कॉलेज में भी सेम सीन होता है, गवर्नमेंट कॉलेज कोई भी कॉलेज में, लेकिन आपको क्या करना पड़ता है, हर एक जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना है वहाँ पे आपको विजिट करना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि वहाँ पे कितने वैकेंट सीट है और डायरेक्टली आप वो राउंड कर सकते हैं, वहाँ पे जाना पड़ेगा और उस पर्टिकुलर डेट जो अनाउंस करेगा वो कॉलेज उस डेट पर आपको वहाँ पे हाजिर होना पड़ेगा और आपको चेक करना पड़ेगा कि आपको कौन सी ब्रांच चाहिए। जनरल CSIT के लिए तो वैकेंट पोजीशन रहेगी नहीं, अदर ब्रांचेस के लिए हो सकती है, तो आपको देखना पड़ेगा। फिर वहाँ पे एक तो हो सकता है परसेंटेज जिसके ज्यादा है उसको एडमिशन मिल सकती है या फिर फर्स्ट कम बेसिस पे भी एडमिशन, जो पहले आया उसको एडमिशन दे सकते हैं। और यहाँ पे बेनिफिट्स क्या नहीं रहने वाले हैं, ठीक है, यहाँ पे पूरी के पूरी ओपन की फीस आपको लगने वाली है, ओपन की जो फीस होती है ओपन कैटेगरी फीस
वो पूरी के पूरे सभी कैटेगरी वाले बच्चे को लगेंगे, मतलब यहाँ पे नो बेनिफिट फॉर, मतलब कोई किसी तरीके का कंसेशन नहीं मिलेगा फीस में जो कंसेशन होता है, नो बेनिफिट, नो स्कॉलरशिप। स्कॉलरशिप भी नहीं मिलेंगी, ठीक है? तो स्कॉलरशिप नहीं, ईडब्ल्यूएस नहीं, मतलब कोई भी कैटेगरी है भाई, यहाँ पे जो है ना, आप अगर एससी एसटी एनटी ओबीसी एसबीसी कोई भी कैटेगरी वाले बच्चे अगर है तो आपको इसमें कोई भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, मतलब फीस कंसेशन नहीं मिलेगी आपको, पूरी के पूरी ओपन कैटेगरी की फीस यहाँ पे पे करना पड़ेगा। यस, फुल फीस, पूरी की पूरी फीस आपको पेड करना पड़ेगा इस राउंड में, और स्कॉलरशिप भी नहीं रहेंगे और किसी तरीके की फैसिलिटीज नहीं रहने वाली। तो ये सबसे मेन जो है बात यहाँ पे आप लोगों को ध्यान में रखना है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपका कैप राउंड वन में हो रहा है सिलेक्शन, या कैप राउंड टू में हो रहा है, या फिर अभी कैप राउंड थ्री जो है उसमें अगर हो रहा है आपका सिलेक्शन, तो आप लोग सीट अपनी कन्फर्म कर दीजिए। क्योंकि क्या होता है, लास्ट राउंड के लिए जो है ना वो लक बाय चांस से एडमिशन मिलता है, ठीक है? तो फोर्थ राउंड जो है स्पॉट राउंड, स्पॉट राउंड मतलब कि इंस्टीट्यूशनल राउंड, इसमें जो एडमिशंस होती है भाई यहाँ पे पूरा लक बेस पे हो जाएगा, ठीक है? लक बेसिस पे रहेगा, मतलब कि अगर उस इंस्टीट्यूट में आपके लिए सीट खाली है तो ठीक है, तभी आपको मिल सकती है, बट जरूरी नहीं कि सीट वैकेंट रहेंगी। तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो मैं तो सजेस्ट करूंगा कि आप लोग सीधा सीधा कैप राउंड से अगर सीट मिल रही है तो वो सीट ले लो, फोर्थ राउंड करने की कोई जरूरत नहीं है, स्पॉट राउंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको कितने कॉलेजेस घूमना पड़ेगा, ठीक है? जैसे आप लोगों को आसपास का कॉलेज अच्छा मिल रहा है तो चलो ठीक है, लेकिन फीस तो आपको पूरी पेड करनी पड़ेगी। और अगर किसी कैटेगरी वाले बच्चों को कंसेशन मिलता है कैप राउंड के थ्रू, कैप प्रोसेस के थ्रू, तो वो क्यों स्पॉट राउंड में जाएगा, सीधा सवाल है, क्योंकि स्पॉट राउंड में आपको पूरी फीस पे करना पड़ेगा, कोई भी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, तो रहने दो, ठीक है? जिनका सिर्फ बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है कि जिनके एडमिशन हो ही नहीं रही है कैप राउंड से, तो वो स्टूडेंट्स के लिए ये लास्ट राउंड होता है, तो आपको लेकिन कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। यस, कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा हर एक इंस्टीट्यूट को जो आपके एरिया में है, उनको कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा, और वहां पे आपको पूछना पड़ेगा उनको कि स्पॉट राउंड की डेट क्या है। यस, आस्क देम अबाउट अबाउट डेट ऑफ स्पॉट राउंड, ठीक है? तो ये आपको स्पॉट राउंड की डेट पूछना पड़ेगा, फिर आप स्पॉट राउंड में जा रहे हो, फिर वहां से आप लोगों को आपकी कैटेगरी वाइज अगर आपको जगह मिल रही है तो ठीक है, लेकिन फिर भी फीस तो आपको पूरी पे करनी पड़ेगी। अगर इन केस अगर किसी कैटेगरी वो भी सी एस सी एस टी की सीट वहां पे खाली है और आप वही कैंडिडेट हो, लेकिन फिर भी आप लोगों को कंसेशन नहीं मिलेगा, आपको सीट तो एस सी एन टी ओ बी सी की मिल जाएंगी बट आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा और किसी तरीके की फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी, फुल फेस ओपन कैटेगरी आपको मतलब भरना ही पड़ेगा। और साथ ही साथ जो गर्ल्स को कंसेशन मिला था कि ट्यूशन फी जो है वो माफ कर दिया गया था, तो यहाँ पे ये राउंड के लिए माफ नहीं होने वाली है फीस, वो भी आपको पूरी ही पे करने पड़ेगा। तो आया समझ में, ये राउंड ऐसा है बहुत ज्यादा रिस्की राउंड है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको कैप राउंड थ्री में कॉलेज मिल रहा है तो ले लो, कैप राउंड थ्री में अगर कोई कॉलेज मिल रहा है आप नहीं ले रहे हो तो फिर आपको ये राउंड के लिए जाना पड़ेगा स्पॉट राउंड के लिए, फिर आपको वही कॉलेज में जाओ, विजिट करो और सब कुछ प्रोसेस करो। तो ये करने से अच्छा है सीधा सीधा आप एडमिशन ले लो। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर कर दीजिए बाकी स्टूडेंट्स के साथ। बाय, टेक केयर।